उत्तराखंड जहां के लोग राजनीति से लेकर शिक्षा, फिल्म, संगीत, मीडिया, कला और तमाम क्षेत्रों में अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं, इन्हीं में से एक नाम है कुसुम पांडे का। दरअसल दिल्ली में ललित कला अकादमी की ओर से 9 अप्रैल से 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश भर के करीब 20 कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। जो कलाकार चित्रकला, मूर्ति शिल्प, ग्राफिक, फोटोग्राफी के साथ ही कई और कामों में भी शानदार काम कर रहे हैं, इस दौरान सभी को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सम्मानित करेंगे। और ये क्षण उत्तराखंड के लिए भी गौरवान्वित होगा जब उत्तराखंड के कुसुम पांडे को फाइन आर्ट के क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि कुसुम कला के क्षेत्र में पिछले कई सालों से काम कर रही हैं। काम के प्रति कुसुम की लगन कैसी है ये उनके काम को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तराखंड की ये होनहार बेटी जब कैनवास पर हाथ चलाती है तो मानो पेंटिंग कुछ अलग ही एहसास कराने लगती है। कुसुम की ज्यादातर पेंटिंग्स में उत्तराखंड की महिलाओं के संघर्ष की, उनकी संस्कृति की, उनके परिधान से लेकर व्यक्तित्व की झलक दिखती और मिलती है। आपको बता दें कि अब तक राज्य से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 35 से ज्यादा प्रदर्शनी में उनकी पेंटिंग्स स्थान पा चुकी हैं, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार से नवाजा भी गया है। फिलहाल कुसुम ने हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला फाइन आर्ट स्टूडियो खोला है। अपनी जादुई हुनरमंद उंगलियों के जरिए कुसुम न सिर्फ सुंदर चित्रों को कागज पर उकेरती हैं, बल्कि उनकी चित्रकारी वंचितों, शोषितों की आवाज बनने के साथ ही कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में मददगार भी साबित होती है। कुसुम पांडे के इस हुनर और उनको मिलने वाले सम्मान पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें रायशुमारी, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।